और ये मेरी प्लेट हो गई तैयार। गाइस अभी आपको ना एक बहुत ही प्यारा सीन दिखाने लगा हूँ। सेंटर है हेलो नी हाउ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? ओए होए होए भाई साहब, आज स्नो पड़ चुकी है, आप देख रहे हैं कमाल के दिन है। और आज जो है 16 मार्च है और आज जो है स्नो स्टार्ट हो चुकी है। अचानक ही अल्लाह के बस करने हैं। देखें आप, आज से 2-3 दिन पहले जो है जुम्मे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हमने तो टी शर्ट वगैरह ये पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन आज जो है अचानक से स्नो स्टार्ट हो चुकी है और जो है बहुत ही कमाल का मंजर है। तकरीबन आज जो टेम्परेचर है वो 5 सेल्सियस हो चुका है और इधर भी नज़र भी नहीं आ रहा बंदा। जब से मैं चाइना में आया हूँ तब से अभी तक जो पहली दफ़ा ये मार्च में स्नो हो रही है, वरना फरवरी में होती रही है स्नो वगैरह, लेकिन ये पहली दफ़ा मार्च में हो रही है। तो अभी जो है अभी मैं निकला हूँ बाहर खाना वगैरह खाने के लिए कुछ। तो हमारा वैसे प्रोग्राम था जी लंच का, लेकिन अभी चेंज हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कुछ ना कुछ गर्म पीने का दिल कर रहा है, जैसे कॉफ़ी हो गई, तो अभी कॉफ़ी पियेंगे। ये वाली जो आपको पीछे शॉप नज़र आ रही है, ये वाली मीशो पिंग बहुत ज़्यादा फेमस है चाइना में, हर 1 किलोमीटर में आपको 1-2 शॉप मिल जाती हैं, यूनिवर्सिटी में भी है। तो अभी जो है कॉफ़ी पीते हैं, नाथ की इसको बोलते हैं, 5-6 RMB की मिल जाती है। तो उसके बाद जो है फिर यूनिवर्सिटी चलेंगे और डिनर वहाँ पे करेंगे। निहाओ नाथ के यो में रोदा फेचांग रोदा फेचांग रोदा ये यो थांग चौधरी साहब सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम ले रहे हैं। सर्दी में कॉफ़ी पीने का तो और ही ज़्यादा मज़ा ना भाई। अभी जो है सिर्फ स्नो ही नहीं है, उसके साथ बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और हवा की वजह से जो है वो सारी कपड़ों में घुस रही है स्नो। ये हमारी सामने वाली जी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी चौक है, फनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ओए होए 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 और जुत्ती गिल्ली हो गई। ओए होए 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 मेरे हाथ बिल्कुल फुल ज़्यादा जो सर्दी से बर्फ़ हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले लाइब्रेरी में घुसते हैं, उधर हीटर लगा होता है, थोड़ा सा गर्म शर्म करके हाथों को फिर दोबारा से जुटते हैं भाई। ओहो इधर भी सर्दी है फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी जो है मैं 5th फ्लोर पे आया हूँ और यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा खामोशी होती है, तो मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, सिर्फ वीडियो दिखाऊँगा आपको। काफ़ी बड़ी है, 6-7 इसके फ्लोर हैं और स्टूडेंट से हर टाइम भरी हुई होती है। चाइनीज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रट्टे लगाते हैं सुबह सुबह आ गए। आज तो वैसे यहाँ पे जो बेंचेस वगैरह हैं वो खाली हैं साइड वाले। मोस्टली ऐसे होता है कि आपको लाइब्रेरी में बैठने की जगह भी नहीं मिलती, इतने स्टूडेंट्स होते हैं। 10th फ्लोर है, नाइस इन्वायरमेंट, आप यहाँ पर तसल्ली से आराम से पढ़ सकते हैं। वाओ अभी जो है स्टूडेंट्स को छुट्टी हुई है क्लासेस से, तो अभी जो है देखें कितनी सारी छतरियां आपको नज़र आ रही हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। 4 बजे है इनकी क्लास टाइम चेंज होता है, क्लासेस चेंज कर रहे हैं, तो ये इधर से भी जा रहे हैं और अभी जो है लाइब्रेरी भी भरना शुरू हो जाएगी और कैंटीन भी। और ध्यान ना लो डिग ना जाए क्योंकि बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुई है ना सीढ़ियाँ। अभी जो है मैं जा रहा हूँ कैंटीन की तरफ और रास्ते में लेक भी आती है, तो उधर जो है आपको एक टाइम लैप्स बना के दिखाऊंगा ज़बरदस्त। मेरे रास्ते में कोई भी ना आया मैं नहीं रुकूंगा। वाह मैन सो ब्यूटीफुल, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना वो मैं कैमरे में भी कैच नहीं कर सकता। जो यहाँ का मंजर है कितना प्यारा है।
है तकरीबन 4:30 हो चुके हैं और स्टूडेंट्स की क्लासेस इस टाइम ख़त्म भी हो जाती हैं और कुछ जो है तकरीबन चेंज हो जाती हैं, जैसे स्टूडेंट्स का टाइम टेबल क्लासेस चेंज हो गई, जो लास्ट क्लास होती है ना चाइनीज स्टूडेंट्स की वो तकरीबन ख़त्म होती है 6 बजे 6 के बाद, क्योंकि इनका जो है डिनर टाइम होता है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर एक और जगह है और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ये स्ट्रीट है छोटी सी बनी लेकिन बहुत खूबसूरत है और कमाल की जगह है। ये इस साइड पर चलते हैं थोड़ा सा, इधर एक दूसरे को मार रही है, चेरी ब्लॉसम पिंक कलर के, इधर फाइटिंग चल रही है, शदीद फाइटिंग चल रही है। ओ ये तो शुरू हो गए सारे। इसको मारना, ये बड़ा ज्यादा फ्री हो रहा है। ओ खाई। अयो। चुप आ जा। चलो यार बहुत हो गया। हाँ 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 हाँ। अभी इधर 3-4 और मेरे साथ होते हैं पाकिस्तानी, फिर जो चाइनीज को धोना था हमने, ओए होए होए, अभी तो मैं एक था बेचारा, 4 ने मुझे डल के कुटा है, तो कोई मसला नहीं है। कौन सा लगती है बर्फ, लेकिन ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अभी जो है मैं प्यारी सी जगह क्लॉक टावर के पास पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर जो है कैंटीन है, कुछ शॉपिंग मार्केट वगैरह हो गई और सामने कैंटीन, इस साइड पर जो है ग्राउंड वगैरह, और ये है यूनिवर्सिटी की कैंटीन। अभी मैं कैंटीन पर जाके खाना खाऊँगा, बहुत भूख लग चुकी है और शाम का टाइम हो चुका है। ये है जी कैंटीन का फर्स्ट फ्लोर, बहुत आवाम है इस जगह पे और ये काफ़ी बड़ी है, ये वाली कैंटीन भी काफ़ी बड़ा एरिया इस साइड पे भी। और ये है जी इस जगह का सेकंड फ्लोर, इधर भी बहुत ज़्यादा आवाम है भाई, ये फुल भरा हुआ है ये वाला भी, क्योंकि अभी टाइम क्योंकि अभी जो है खाने का टाइम है डिनर का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाम है इधर। अभी हम थर्ड फ्लोर पे चलेंगे क्योंकि हमने जो खाना खाना है वो थर्ड फ्लोर पे है। अभी इस साइड पे भी एक और पोर्शन है इसका, ये भी सेम ही है, एरिया इनका काफ़ी बड़ा है, और इस साइड पे एक मैं जो आया हूँ खाना खाने वो इस जगह पे आया हूँ। कितनी कमाल की साफ सुथरी इस तरह की कैंटीन है हर जगह पे, तो चाइना में आपको मिलेंगी। इधर बहुत सारी किस्म का खाना है, ये सारा मतलब पड़ा हुआ है, यहाँ से आप, ये एक्चुअली जो है बफे सिस्टम है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का खाना उठाएं और प्लेट में डालें। इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब्ज़ी होगी, चिकन, उसके बाद फिश, सैलेड, बन, ये फ्राइड चिकन वगैरह, ये फ्राइज, पोटैटोस, टोफू, नगेट्स भी हैं इधर, नगेट्स, चिप्स, नूडल्स, ब्रोकली, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे जो हैं आपको खाने के लिए मिल सकती हैं। और इसका ये होता है कि आपने ये प्लेट उठानी है, अपनी मर्ज़ी का उठाएं, उठाने के बाद वो जो सामने काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे वेट होगा और उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से आपसे चार्जेज होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 RMB का बनता है। अभी जो है मैं थोड़ी सी लूँगा यहाँ से फ्राइज, ये थोड़ी सी ब्रोकली भी लेंगे हम, यहाँ पर आलू हैं, ये भी चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके एक पीस जो है यहाँ पर फिश का उठा लेते हैं, और ये मेरी प्लेट हो गई तैयार। तो भाई साहब अभी जो है फुल हो गए, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 प्यालियाँ जो है वो चावलों की खाई हैं और इसके बाद जो थी वो प्लेट जो आपने सब्ज़ी वगैरह देखी, और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, फुल हो गए। और आज का जो व्लॉग है हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।